G20 देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसका 18वां सम्मेलन दिल्ली में सितंबर में होने जा रहा है। इसके लिए सरकारें बहुत चिंतित है और अपने देश को बेहद खूबसूरत बनाने में लगी हुई है, जिसके लिए हम भी बहुत खुश हैं कि लोग बाहर से आएंगे और हमारे देश को देखेंगे और उनके डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें तो सरकारें एक तरफ ये भी कह रही है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 2 महीने के लिए आप हटा दीजिए। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि G20 जो सम्मेलन है वो इन्हीं सब इश्यूज के बारे में है, डेवलपमेंट के बारे में है, क्लाइमेट चेंज के बारे में है। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? फिर वो 2 महीने के लिए क्या करेंगे? अगर हम G20 के स्लोगन की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया एक परिवार। अगर आप दुनिया को परिवार कह रहे हैं और अपने देश वालों से आप पराया जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो ये मुझे लगता नहीं है कि G20 का कोई मतलब है। इसी को लेकर स्ट्रीट वेंडर्स ने दिल्ली में एक मीटिंग की और उसमें ये सब बातें करी। तो आइए थोड़ी सी उनकी बातें भी सुनते हैं। हमारे शहर में एक कानून है 2014 से लेके, हॉकर्स का कानून है, उनके राइट्स को सुरक्षित करने का, लेकिन उसका जो है कार्यान्वयन, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है ज़मीन पे। जैसे कि जो एक उनको सर्टिफिकेट्स मिलने चाहिए जिसमें उनकी लोकेशन होनी चाहिए कहाँ पर उनका, वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, अभी उनके सर्वे नहीं हुए हैं। जबकि ये क्रियान्वयन की प्रक्रिया रुकी हुई है, इसके बावजूद भी उसका एविक्शन जो है हॉकर्स का, वो बाकायदा बदस्तूर जारी है, जो कि इल्लीगल है। और जब तक कि ये कानून की क्रियान्वयन की प्रक्रिया नहीं होगी, सर्वे नहीं होगी, सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगी, तब तक तो ये हटाया जाना नहीं चाहिए। जो छूट गए उनका दर्द तो अलग ही है, जो सर्वे में कर लिए गए और जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू कर दिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू किए हुए लोगों को, जिनका अधिकार मान लिया गया कि आप वेंडर हैं और आप वेंडिंग कर सकते हैं और जिसका सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है, पुलिस के पास है, उसके बावजूद G20 की जो पूरी तैयारी चल रही है, बैठकों का दौर चल रहा है, जो सितंबर तक चलेगा, तो अभी भी तकरीबन 2 महीने का समय बचा हुआ है G20 की आखिरी बैठक के लिए। लोगों को साफ साफ कहा जा रहा है सरकार के अलग अलग महकमों के जरिए कि 2 महीने के लिए हम आपको स्ट्रीट वेंडिंग नहीं करने देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि जब तक G20 की बैठकें हो रही हैं दिल्ली में, आप दुकान नहीं लगा सकते। स्ट्रीट वेंडर जो भी हैं, अपना रोजी रोटी का इनका सबसे बड़ा मुद्दा रोजी रोटी का है। अगर ये G20 को लेके हट जाएंगे, 1.5 महीना 2 महीने, कोई कहता है 1 महीने के लिए हटा दिया, कोई कहता है 1.5 महीने के लिए, तो ये कहाँ जाएंगे? तब तक क्या खाए? क्या सरकार इनको देगी, कुछ खाने के लिए देगी, या इनके घर राशन पहुँचाएगी, या इनको दुकान कहीं और दे रही है? तो ये मैं सरकार से मुद्दा रखना चाहती हूँ कि भाई आप हमें बता तो दें कि हम जाएं कहाँ। मैंने जो महसूस किया है उस सबसे बड़ी खामी ये है कि हमने ना दूध की रखवाली को बिल्ली बिल्ली को बना दिया है। जैसे हमने इसमें जो हमारा TVC का चेयरमैन है ना, वो डिप्टी कमिश्नर है और वो नहीं चाहते किसी तरीके से उनके हाथ से जो रेवेन्यू है, जो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, उनके हाथ से निकले। इस तरीके से वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग को भी नहीं मानते हैं, आपको नो वेंडिंग जोन पे नाम पे इविक्शन किया जा रहा है। उनका मतलब है इसको डिले किया जाए, जितना डिले होगा उनका उनका जो 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 पितृसत्ता है ना वो कायम रहेगी। आज जब मीटिंग में किसी ने बताया कि सरकार ने बोला कि क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग का जो लोन दिया गया था PM स्वनिधि, उसके 30% लोन डिफॉल्ट हुए, इसलिए आगे से वो लोन नहीं दिया जाएगा। आप अगर आंकड़े निकाले, सरकारी आंकड़े ये दिखाते हैं कि पिछले 9 सालों में 14 लाख करोड़ लोन्स हैं जो कि राइट ऑफ किए हैं, बैड लोन्स हैं जो कि राइट ऑफ किए हैं, यानी कि उसका पैसा अब आप और मैं अपने टैक्स के पैसे से भरेंगे। किसी भी तरीके से आपने COB के अंदर प्रकार नहीं खोला कि मैं किस तरीके से वेंडिंग करता हुआ पाया गया अपने एरिए में। दूसरे, उसमें लोकेशंस नहीं दी गई, उसमें क्लियर बार डाल दिया गया, तो जो पुलिस है या MCD डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि बार 35 है, बार 30 है, जो भी है वो नाम लेकर के भैया कहीं भी लगा, यानी कि कोई उसका जो उसमें जब सर्वे किया गया तो उसकी लोकेशन ली गई थी, तो उस लोकेशन को शो करना चाहिए था, उसका प्रकार डालना चाहिए था। सीधी सीधी बात नजर आती है कि कानून तो चाहे मैं वर्ल्ड क्लास कानून बना दूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा कानून लिख दूं, लेकिन अल्टीमेटली उसका क्रियान्वयन तो सरकार ने ही करना है। तो यानी कि क्या राजनीतिक नियति है, क्या पॉलिटिकल विल है कि स्ट्रीट वेंडर्स को उनके अधिकार मिले?
और यही असली लड़ाई है कि क्योंकि पॉलिटिकल विल नहीं है, क्योंकि एंटी पुअर सरकार है, क्योंकि सरकार केवल फोकस करना चाहती है कि सारे कॉमन एरियाज आप अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को दे दे, अपने दोस्तों को दे दे, करोड़ों के लोन अपने दोस्तों को दे दे, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को ना उसको रेडी खड़ी करने देंगे, ना उसको 10,000 का लोन देंगे, और वो गलती से खड़ा हो गया तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। यही आज की राजनीति, और यही आज स्पष्ट भी हुआ पूरे इस जनसुनवाई में। G20 का टॉप एजेंडा क्लाइमेट चेंज है। अगर टॉप एजेंडा क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट में लिस्ट कंट्रीब्यूट करने वाला इस प्रॉब्लम में वो तो स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग का जो मॉडल है जहाँ छोटे किसान उत्पादन कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग नहीं हो रही, उन छोटे किसानों के माल को ये बाजार दे रहा है। और बाजार कैसे दे रहा है? पैदल जाकर, साइकिल से, रेहड़ी से, पटरी पर। कहाँ है कार्बन इमिशन इसमें? ये तो ऑलमोस्ट जीरो कार्बन इमिशन है स्ट्रीट वेंडिंग के अंदर। ये तो अच्छा मौका था सरकार के लिए कि G20 के सामने इस मॉडल को प्रमोट करती कि देखिए हमने अभी भी इस मॉडल को, जो बिल्कुल क्लाइमेट फ्रेंडली मॉडल है, उसको बचा कर रखा हुआ है और इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इसको तो शोकेस करना चाहिए था। जो शहर का सौंदर्यीकरण है वो शहर के लोगों से बनता है, सिर्फ इमारतों से नहीं होता या इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता। लोगों का कल्चर जो है उसको आप एसिमिलेट करिए, उसको इंक्लूड करिए, उससे शहर सुंदर होते हैं। उसमें इन्वेस्ट करिए आप, बड़े बड़े इमारतों में और G20 के लिए इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रगति मैदान में, और उसमें आप वेंडिंग जोन में इन्वेस्ट करिए, उनको सुंदर बनाइए और हॉकर्स को ट्रेनिंग दीजिए कि वहाँ पर उसको कैसे मेनटेन करना है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सौंदर्यीकरण होगा। ये